पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी सरकार के द्वारा 5 अगस्त को एक कार्यक्रम किया गया जिसमें सरकार के अनुसार 80 लाख राशन कार्ड धारकों को अनाज बांटने का दावा किया गया। इस कार्यक्रम के बाद से ही सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं अनाज के पैकेट पर अनेक नेताओं के फोटो तो कहीं मंच लगाकर नाच गाना करवाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह से गरीबी और गरीबों का सीधे तौर पर मजाक बना रही है। सचिन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 90 के दशक से गरीबों के उत्थान के लिए राशन वितरण की ये सरकारी योजना चलती आ रही है जिसमें अलग अलग तरह से बदलावों के साथ गरीबों को मदद मिलती है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार द्वारा गरीबों को लाइनों में लगाकर उनके वीडियो बनवाए जा रहे हैं। 5 किलो अनाज देकर सोशल मीडिया पर उनकी गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से गरीबों का, जरूरतमंदों का मजाक बना रही है भारतीय जनता पार्टी, राशन वितरण कांग्रेस के जमाने से चलता आ रहा है देश आजादी के बाद से, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि उन लोगों को लाइनों में खड़ा कर उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं और उन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, बहुत ही निंदनीय है। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पहले से ही राशन वितरण करती है, लेकिन इन लोगों की तरह लोगों का मजाक नहीं बनाते। इन्होंने देश में गरीबी को अपराध साबित करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव नजदीक आ रहा है, ये राशन वासन कुछ नहीं दे रहे, जो राशन के कट्टे दे रहे हैं उनके ऊपर अपने फोटो लगा के दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नुमाइश चल रही है, गरीबी की मजाक बनाई जा रही है। शर्म करनी चाहिए इन लोगों को और ये जो आप आडंबर कर रहे हैं ये बंद कर देना चाहिए। गरीब होना कोई अपराध नहीं है देश में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।